सबसे पहले आइटम्स प्राइस को सेलेक्ट करना लाइक दिस, और इसको राइट क्लिक करके क्या करेंगे, कॉपी या कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा। देन क्वांटिटी वाले पे क्लिक करना, पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेना, और इस पे भी राइट क्लिक करना और पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन मिलेगा, पेस्ट स्पेशल यहाँ क्लिक करना। यहाँ देखो पेस्ट स्पेशल के अंदर कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे, यहाँ लिखा रहा है ऑपरेशंस, और ऑपरेशंस में आ रहा होगा मल्टीप्लाई, क्या लिखा रहा है मल्टीप्लाई। जैसे ही मैं मल्टीप्लाई पे क्लिक करूँगा और ओके करूँगा तो क्या करेगा, ये 5000 को 5 से मल्टीप्लाई करेगा, 2000 को 5 से, सबको क्या करेगा, जितनी लिस्ट लिखी है वो सबसे आगे मल्टीप्लाई करके दे देगा। देखो तो 5 5 से कितना हो गया, 25 हो गया। तो इस तरीके से ये सारे इंफॉर्मेशन क्या कर दिया उसने, मल्टीप्लाई कर दिया इस क्वांटिटी के साथ। अगर मैंने यहाँ पर अलग अलग डिजिट भी लिखा होता, अगर मैंने यहाँ पे अलग अलग डिजिट लिखा होता तो वो अलग अलग डिजिट से मल्टीप्लाई करेगा, जैसे 2 3 5 जो भी लिखता मैं उन सबसे क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा सिमिलरली। फिर से देखो कॉपी किया मैंने इसको, कंट्रोल सी से कॉपी सेलेक्ट किया इसको, राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल पे गए और क्या गया यहाँ पर ऑपरेशन में मल्टीप्लाई एंड ओके। देखो यहाँ पर क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। यस सर, सिमिलरली अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो अमाउंट आ रहा है टोटल हो गया आ रहा है, अब मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ वैल्यूज ऐड हो जाए, जैसे कि मैं चाहता हूँ इसमें 500 ऐड हो जाए, इसमें 1000 ऐड हो जाए, ठीक है, इसमें गुड 1200 ऐड हो जाए, सर। 1300 ऐड हो जाए, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग वैल्यूज़ को हम ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे, देखो यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया हमने, फिर से कंट्रोल सी से कॉपी किया और इस पे सेलेक्ट कर लिया और राइट क्लिक करके क्या गए, पेस्ट स्पेशल में, और दूसरा ऑप्शन क्या लिखा रहा है, ऐड। तो करेगा क्या ये ऑप्शन, ये ऑप्शन का काम सिर्फ इतना है कि ये जो वैल्यूज दिख रही हैं जिसको हमने कॉपी किया है उसको इस पे क्या करेगा, ऐड कर देगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा देखो ये 1 10000 है, तो 10500 हो जाएगा क्योंकि 500 ऐड हो चुका है। तो सब में क्या कर दिया, उस वैल्यूज को उसने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिखूँ से 200 लिख दूँ, या 2 लिख दूँ, 4 लिख दूँ, 5 लिख दूँ, तो अभी क्या करेगा, अगर मैं इसको नेक्स्ट ऑप्शन को अप्लाई करूँ, तो सेलेक्ट किया मैंने जस्ट, कॉपी किया, सेलेक्ट, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और अब क्या चूज़ कर रहे हैं हम, यहाँ पर डिवाइड चूज़ कर रहे हैं। तो डिवाइड क्या करेगा, ये डिवाइड का जो वर्क है वो करने का स्टार्ट करेगा, जैसे कि 10500 क्या करेगा, 2 से डिवाइड करेगा, 7000 को 400 से, 10800 को 5 से, तो ये सबसे डिवाइड करने के बाद आंसर यही दे देगा, जहाँ पर ये लिखा हुआ है ना इसी के ऊपर ही ये आंसर इम्पोज कर देगा लाइक दिस। देखो आ गया, तो जो वैल्यूज लिखी थी क्या कर दिया उसको, उससे डिवाइड कर दिया, जो हमने कॉपी करी उससे उसने डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, डिवाइड किसको किया, इस वाली वैल्यू को इससे डिवाइड कर दिया, यानी 2/10500 हो गया, ठीक। गलत कर, हाँ नहीं 10000, अगर 2 से डिवाइड, 2 को डिवाइड करोगे इससे तो कितना आएगा, पॉइंट में ही आंसर आएगा भाई। उल्टा अगर करता सर, है, नहीं हम इसको इसको मैं वैसे कॉपी करता, फॉर डिवाइड कर एग्जाम्पल देखो, दूंगा। इसको मैं कॉपी करता और इस पे अप्लाई करता, राइट क्लिक करता, पेस्ट स्पेशल में जाता, और अगर मैं अब यहाँ डिवाइड चूज करता तो क्या करता, ये जो मैंने कॉपी किया है ना उसको इस नंबर से डिवाइड करता है, 10500 डिवाइड बाय 2 कर देता, देखो आ रहा है, हाफ कर दिया उसने, 1/4 कर दिया। तो ये होगा तब जिसको कॉपी किया है ना वो डिवाइड करता है जिस नंबर पे आप पेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया हमारे पास, ऑपरेशंस हो गए हैं, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं कलरफुल बना देता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा कलरफुल बनाता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ से कलर किया, दिख रहा होगा ये डेटा हमारे पास है। अब मैं चाहता हूँ कि जो इसका फॉर्मेट है वो कॉपी हो जाए, तो सेलेक्ट किया सैम्पल को, कॉपी किया हमने यहाँ पर, और यहाँ पे चाहता हूँ ये जो फॉर्मेट यानी कलर और टेक्स्ट का कलर है उसको मैं इस पर अप्लाई करना चाह रहा हूँ। अप्लाई करने के लिए करेंगे राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और क्या चूज़ करेंगे, पेस्ट फॉर्मेट आ रहा होगा, देखो लिखा रहा है पेस्ट फॉर्मेट, क्लिक किया यस सर, एंड ओके। तो क्या हो गया, वो फॉर्मेट उसने क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। तो पेस्ट स्पेशल काम किया है कि कोई भी चीज़ जो आप कॉपी कर रहे हो उसमें से सेलेक्टिव चीज़ें ही दूसरे सेल पे आप पेस्ट कर सकते हो। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, मान लो कि मैंने इस पर वैलिडेशन लगा रखा है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसमें वैलिडेशन अप्लाई कर रहा हूँ। वैलिडेशन कैसे अप्लाई करते हैं, पढ़ रखा होगा, डाटा में जाते हैं और ऑप्शन में मिलता है डाटा वैलिडेशन, और यहाँ मैंने कह दिया डाटा वैलिडेशन, और यहाँ चूज़ किया मैंने होल नंबर, और बिटवीन कह दिया 0 से
5000 के बीच में वैल्यूज को ये प्लेस कर सकता है यहाँ पर, 0 से 5000 के बीच में, और ओके कर दिया। तो इस पे अगर मैं डालूंगा 10000 तो नहीं लेगा, देखो यहाँ पर नहीं ले रहा है, ठीक। नहीं तो सर, वही लिमिटेशंस को जो है मैं यहाँ पर नेक्स्ट वाले सेल में इसमें अप्लाई कराना चाहता हूँ या इसमें अप्लाई कराना चाहता हूँ, तो कुछ नहीं करना, छोटा सा सैंपल बस कॉपी कर लो यहाँ से, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अप्लाई करना, तो या इस पे, तो इसको सेलेक्ट किया हमने इस तरह से, और इस पे राइट क्लिक करके कहाँ गए, पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में जब जाओगे यहाँ पर, पेस्ट स्पेशल में जब जाओगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, जैसे इसको कॉपी किया मैंने, फिर से जा रहा हूँ कॉपी कर रहा हूँ, सेलेक्ट किया इसको, सेलेक्ट करो, प्रोडक्शन अप्लाई हो गया, धीरे चल रहा सर आपका लग। कोई नहीं, मैं दूसरी शीट पे कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा हैंग हो गया सिस्टम मेरे ख्याल से, जो कीज़ है ना वो हैंग हो गई है, तो कोई नहीं, कर्सर को यहाँ क्लिक करो, ऐसे सेलेक्ट हो जाता है, यहाँ से भी सेलेक्ट हो जाए, सेलेक्ट नहीं वर्क कर रहा है, मैं इसको फिर से ओपन कर लेता हूँ, न्यू ब्लैंक ले लिया, अब यहाँ पे फिर से डेटा डालता हूँ, उसमें आ जाएगा, यहाँ लिख दिया वैल्यूज 3000, 4500, तो वो स्क्रीन आपकी शेयर नहीं हो रही। नहीं, अभी जस्ट वेट करो, क्लियर हो जाएगा, अभी वैल्यू डाल रखी है, इसमें वैलिडेशन लगा रहा हूँ, और यहाँ पे वैल्यू डाल रहा हूँ मैं, कुछ मैंने क्या किया, जस्ट सेलेक्ट किया और कहाँ चले गए, डाटा में, डाटा में वैलिडेशन अप्लाई किया हमने, और क्या चूज़ किया, होल नंबर बिटवीन, मैंने कह दिया 0 से 5000 के बीच में अप्लाई होगा, तो 5000 डाल देना, 5000, और क्लिक कर देना ओके। अब मैंने यहाँ से क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, कॉपी कर लेना है, और मैं इस पे भी क्या करने जा रहा हूँ, पेस्ट करने जा रहा हूँ, लेकिन क्या करूँगा, पेस्ट स्पेशल पे, और क्या लिखा रहा है, वैलिडेशन, क्या लिखा रहा है यहाँ पर, जो सेल मैंने कॉपी की उसी से क्या उठाएगा, वो वैलिडेशन को उठाएगा, और जैसे ही मैं ओके करूँगा तो क्या आ जाएगा, इस पे वैलिडेशन अप्लाई हो चुका है। कैसे, देखो मैं 5500 डाल रहा हूँ, तो क्या ये लेगा, नहीं ले रहा है, क्यों, क्योंकि वैलिडेशन जिस सेल पे मैंने लगाया था उससे मैंने क्या कर लिया, इस पे कॉपी कर लिया। तो होता ओके क्या है कि जब आप किसी भी वर्कशीट पे काम कर रहे होते हो और पहले कहीं काम कर रखा है और उसी काम को दूसरी जगह पे अप्लाई करना है वैलिडेशन को, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे सेल को, कॉपी करेंगे, और जिस सेल पे अप्लाई करना है उसको सेलेक्ट करके क्या करेंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, और पेस्ट स्पेशल में जाके उस पर्टिकुलर ऑप्शन को चूज़ करेंगे जो मुझे पेस्ट करना है, समझ में आ गया। जिसका आप 2000 लिख सकते हो। हाँ 2000 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 से 5000 के बीच में लिमिट है ना, मैं -10 नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि लिमिटेशन क्या लगा रखी थी, 0 से 5000, 7000 में नहीं ले पाएगा ये, देखो। तो सर इस हमारी तरीके से स्क्रीन क्या को होता है कि दिखाई नहीं दे पर्टिकुलर रहा। पर्टिकुलर चीज़ें लिमिटेड फॉर्म में वर्क करेंगी, ये ले लेगा हमारे पास, ठीक है।